हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये ना क्लास सेवन्थ का मॉर्निंग शिफ्ट का एसएसटी का आज पेपर हुआ था, तो जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं वो एमसीक्यू के अगर अपने आंसर मैच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। देखिए बहुत आसान पेपर आया था, जिन बच्चों ने मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी थी उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप कमेंट करके बताया करो बच्चों, ठीक है, और बच्चों को भी पता लगता है इससे, ठीक है, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और बहुत सारी वीडियोस लाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु मिल जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है बच्चों बायोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो आपसे जैसे बच्चे अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं ना, तो वो इन सबके मतलब अच्छे से कर ले बाकियों को, ठीक है। हार्डोस्फीयर उसे कहते हैं जहाँ पर पानी पानी होता है, सलमंडल जो हार्ड जमीन होती है जहाँ पहाड़ मैदान सड़क, और वायुमंडल जो पतली हवा की जो परत होती है ना, तो आपसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो यही होता है कि पेपर करने का फायदा कि आसपास की चीजें करो। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 13वीं सदी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी बात इक्वलिटी को नहीं दर्शाती, देखो यहाँ पर कह रहा है कि जाति धर्म और वंश पर लिंग को लेकर भेदभाव करो, तो ये चीज जो है गलत है, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक परतंत्र नहीं है, मतलब कौन सी नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है नेचुरल, तो जो हम एक्वेरियम बनाते हैं ना मछलियों के लिए वो इंसान द्वारा बनाया गया और ये नेचुरल है। आपसे कुछ और पूछ लेगा कौन सा आर्टिफिशियल है एक्वेरियम, कौन सा आर्टिफिशियल नहीं है, यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट और सी, तो आपसे उल्टा भी पूछ सकता। फिर कह रहा है मुगल साम्राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत या साधन क्या था, मतलब मुगल सबसे ज्यादा पैसे थे ना वो किससे अच्छे से कमाते थे, ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर ही था, किसानों से जो है ना उनकी उपज पर टैक्स वगैरह लेते थे तो उनको इससे इनकम होती थी। फिर राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, ठीक है ना, हु अपॉइंट द मिनिस्टर इन स्टेट चीफ मिनिस्टर। फिर उसके बाद ये कह रहा है कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, तो ओजोन जो है ना वो बचाती है हमें, ठीक है। और ये जो ओजोन होती है ना, जब ओ टू प्लस ओ मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है उसमें ओ मिल जाता है तब ओजोन बनती है, ये हमारी रक्षा करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेस आती है ना उससे हमारी रक्षा करती है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में सबसे पहले राजधानी स्थापित की, तोमर राजपूतों ने, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चला था, तो किस में चला था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। रोजा पार्क्स की कहानी आपको पता होनी चाहिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। और फिर यहाँ पर आपको सही मैचिंग बतानी थी, तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है, क्योंकि जो लू होती है वो लोकल है ना, मानसून जो है, और एक बात ये पहले ही कर लेते हैं, जो हवा में जो मॉइस्चर होता है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो डी का तीसरा देख लो किसमें, डी का तीसरा इसमें, बाकी आप आराम से देख ही सकते हैं, ठीक है। तो मॉनसून जो है वो सीजनल आता है, ठीक है, और जो ट्रेड विंड्स है ये परमानेंट है। देखो यहाँ पर जो एमसीक्यू में दिया है ना या मैचिंग में दिया है, ये आपसे क्वेश्चन आंसर या एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो या क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है कि स्थायी भवनों के नाम बताओ, तो आप ये बता दोगे, ठीक है। जैसे पेपर आप करते हो ना बच्चों, तो उसको डिटेल में डीपली क्या करो, खाली ये मत क्या करो चलो इसका आंसर ये है, तो एग्जाम में सेम थोड़ी आ रहा है, उन्हीं के क्वेश्चन के आंसर के क्वेश्चन बनने के लिए। लू किसे कहते हैं, जो जो है ना लू एक लोकल विंड होती है जो बहुत ज्यादा गर्म हवाएं होती हैं, ठीक है, हॉट जो एयर्स होती है उसे बोला जाता है। फिर ये कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत काल में खराज नामक कर किस पर लिया जाता था, तो ये ठीक है कृषि पर। फिर उसके बाद है कि पृथ्वी के चारों फैली वायु की पतली परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये कह रहा है पौधे कौन सी गैस सीधे वायु से नहीं लेते, देखो पौधे नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते, राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो उसे नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, लिग्युमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ भी सकता है कि जो राइजोबियम वगैरह होते हैं वो कौन से प्लांट्स में मिलते हैं, लिग्युमिनस में, जैसे सेम का पौधा हो गया, मटर का हो गया, चने का हो गया, ग्राम का हो गया, पीस का हो गया, इस तरीके से। फिर कह रहा है कि पहला मुगल शासक कौन था, तो बाबर, मैंने आपको याद करवाया भी था, अगर आपने वीडियो देखा होगी तो बादशाह बताया था, बादशाह, ठीक है, बाबर हुमायूं
ठीक है, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, लास्ट औरंगजेब था, ठीक है ना। और नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये किसके उदाहरण, क्योंकि सब पानी है ना, तो जल मंडल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो ये पेपर में जो क्वेश्चन आंसर वगैरह आए हैं, तो अब पर्यावरण के घटक है तो आपको पता है कुछ मैन मेड होते हैं, नेचुरल होते हैं। अब इनके आंसर जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आप चेक कर लेना, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप आंसर की में मैच कर लेना। पेपर बहुत आसान है, जैसे मिड डे मील योजना, उसके फायदे क्या हुए, बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चों को न्यूट्रिशन वाला फूड मिलने लग गया। फिर ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा का क्यों ना हो, उसे वोट डालने का जो अधिकार होता है ना, वो होता है यूनिवर्सल एडल्ट पंचायत, ठीक है। फिर यहाँ पे एयर सर्कुलेशन के बारे में पूछ रहे हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जो भू व्यवस्था में परिवर्तन किए थे उसके बारे में पूछ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रिवेन्यू सिस्टम में क्या क्या चेंज किए थे। दिल्ली सल्तनत में मुक्ति के क्या कर रहे थे, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो और इसके आसपास की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और फाइनल टर्म में भी ये क्वेश्चन काफी काम आते हैं, तो फाइनल टर्म के हिसाब से भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसकी आंसर की आएगी तो आपसे मैं शेयर कर दूंगा। फिर ये आपकी बुक में से जो पैसेज दी जाएगी, पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। भेदभाव किसे कहते हैं, जब किसी के साथ असमानता दर्शाई जाती है, ठीक है ना, ये यहीं पे से देख के लिखना है आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो पैसेज कितने सारे हैं, पहले हिंदी में दिखा देता हूँ फिर इंग्लिश में दिखा दूंगा, ठीक है। ये इंग्लिश में देखो आप, ये 10th थी ना, ये इसकी हिंदी यहाँ पे है, ठीक है। फिर ये 11th है, 11th। फिर अगर जैसे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही तो हिंदी में पढ़ ला करो, आपको हेल्प मिल जाएगी, या हिंदी में प्रॉब्लम आ रही तो इंग्लिश में पढ़ लेना, ठीक है। 12वीं है ना पैसेज, तो ये है। अभी इसके पीछे का हिस्सा देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। फिर 13 नंबर पे फिर एक पैसेज है, देखो पैसेज आपको काफी जो है ना स्कोर करवा सकती है, अच्छे नंबर दिलवा सकती है, आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लेना। और मैप जो है देख लो, मैप कौन सा है, 5 नंबर का मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये आप अच्छे से कर लो। पानीपत का, आगरा का, पंजाब का, हरियाणा का, ये अच्छे से आप कर लो, ठीक है। तो डियर मैंने आपसे पूरा पेपर शेयर कर दिया, मैं आप जो है ना काट के आपको अपने आंसर शीट पे लगाना होता है, ठीक है। कई बच्चे उसे लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। और ये उन बच्चों के लिए जो दृष्टि बाधित हैं, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं ना, तो ये हिंदी में, क्योंकि वो पेज फट गया होगा ना, इसलिए आप इंग्लिश में लिखा नहीं है। और इन्हीं क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि ये MCQ में बन के आ जाते हैं, बच्चे इन क्वेश्चन को ना इग्नोर कर देते हैं, कहते चलो छोड़े तो हमें थोड़ी करने हैं, तो यही बच्चे गलती कर देते हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लो, ठीक है। तो अब फिलहाल वीडियो में इतना ही था, अच्छे से इसकी तैयारी कर लो, बुक आपके पास होगी, बुक के अंदर से क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है। मैं इवनिंग वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग वालों का तो पेपर हो चुका है, ठीक है। आइडिया लेने के लिए प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स।